देखो पुत्र, मैं स्नानगृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता ना करें। क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक! शांत शांत प्रभु, छोटा सा बच्चा है, इसे मैं समझा बुझा कर हटाता हूँ। समझाने से ना माने तो जबरदस्ती हटा दो। बालक गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते। बातें मत बनाओ, हिम्मत है तो मुझे हटा कर दिखाओ। मुझे मत ललकारो बालक। डरपोक हो तुम, डरपोक। ऐसी बात है तो मेरी शक्ति का सामना करो। प्राणनाथ, क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे। शांत हो गया आपका क्रोध इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर? नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा, चलो।